अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अमेरिका की एडलाइन ग्रे का नाम याद है, अरे वही जो प्रो रेसलिंग लीग में आई थी भारत में और उन्होंने अपने बेजोड़ मुकाबलों से सबका दिल जीत लिया था। एडलाइन ग्रे की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन पिछला साल उनका कुश्ती से ज़रा दूर रहा था क्योंकि वो इंजर्ड थी। इंजरी के अलावा उनका विवाह हुआ था और उसके वजह से वो कुश्ती के मुकाबलों से दूर रहीं, लेकिन इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो स्टार बनकर उभरी हैं और फाइनल में पहुँच गई हैं 76 किलोग्राम वर्ग में, और उनका मुकाबला हुआ था सेमीफाइनल में एरिका वीप से। ये नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा, एरिका वीप, जो कि मुंबई टीम की आइकन खिलाड़ी थी। एडलाइन ग्रे सीज़न 1 में थी आइकन खिलाड़ी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो एक विजेता टीम की खिलाड़ी थी क्योंकि मुंबई ने खिताब जीता था प्रो रेसलिंग लीग का सीज़न 1 में। लेकिन सीज़न 2 में एरिका वीप आइकन खिलाड़ी बनी और लेकिन वो टीम चैंपियन नहीं बन पाई थी। लेकिन यहाँ पर इन दोनों दिग्गजों के बीच में सेमीफाइनल हुआ, दिलों को थाम देने वाला ये मुकाबला था, और वहाँ पर 1 के मुकाबले 3 अंकों से एडलाइन ग्रे ने पराजित किया एरिका वीप को। और दूसरा सेमीफाइनल एडमिन यास्मिन अदार, जो कि तुर्की से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका मुकाबला था जेनेत नेमेथ से। जेनेत नेमेथ भी पिछली बार सीज़न 3 में उन्होंने प्रो रेसलिंग लीग में भाग लिया था यूपी दंगल की ओर से, और यहाँ उन्होंने जो कि हंगरी से ताल्लुक़ रखती हैं, हंगरी में ही ये प्रतियोगिता हो रही है, और 1 के मुकाबले 9 अंकों से पराजित करके एक तरह से मैं कहूँगा अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं इस खिलाड़ी ने। तो अब अदार का मुकाबला फाइनल में होगा एडलाइन ग्रे से। ये वही एडलाइन ग्रे हैं जिन्होंने 2013 की बुडापेस्ट में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में पराजित किया था अदार को, और 2014 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उन्होंने पराजित किया था अदार को। इस तरह से 2 बार जो उन्होंने पराजित किया है उसकी एक मनोवैज्ञानिक बढ़त उनके पास है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार मुकाबला बहुत ही रोचक होने वाला है। और हम आपको ये भी बता दें कि इस प्रतियोगिता में जेनेत नेमेथ ने वैसिलिसा मार्ज़ालुक को पराजित करके एक बहुत बड़ा उलटफेर भी किया था, और ये वही वैसिलिसा हैं जिन्होंने पंजाब रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया था प्रो रेसलिंग लीग में, और यहाँ पर उनकी एक नहीं चलने दी जेनेत नेमेथ ने। अगर आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।